अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। शायरी की बात हो वाह भाई वाह, अल्फाज की बात हो तो वाह भाई वाह, अलंकारों की बात हो तो वाह भाई वाह, गजलों की बात हो तो वाह भाई वाह, काफिये की बात हो तो वाह भाई वाह, रदीफ की बात हो तो वाह भाई वाह, रुबाई की बात हो तो वाह भाई वाह, हंसी की बात हो तो वाह भाई वाह, खुशी की बात हो तो वाह भाई वाह, जहान की बात हो तो वाह भाई वाह, और दिले नादान की बात हो तो वाह भाई वाह। जिंदगी में इतनी लंबी बात करने की भी जरूरत नहीं है जितनी मैंने की। कम बात से भी बात हो सकती है। जैसे क्लास में एक टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया, बोले तेरा नाम क्या? मेरा नाम सब रमेश। हाँ रमेश बताओ, बड़ों के क्या बनोगे? बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंट बनूंगा, बहुत बड़ा, हमेशा प्लेन में जाऊंगा, 5-स्टार होटल में ठहरूंगा, बड़े बड़े मकान होंगे, 10 नौकर चाकर होंगे, पैसा ही पैसा होगा। अरे रुक जा भैया रुक जा, इतना कहने की जरूरत नहीं, बस 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 बस। फिर एक लड़की को खड़ा किया, जल्दी जवाब देना, एक ही लाइन में जवाब देना, इसकी तरह लंबा मत देना। हाँ बताओ तुम बड़े होगे क्या बनोगी? रमेश की बीवी। लेकिन जब बीवी बन जाए तब जिंदगी में क्या होता है? जैसे अमित अनपढ़ अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहे थे बेचारे, तो पड़ोस वाले अंकल ने देख लिया तो थोड़े से घबराए, वाइफ की तबीयत खराब है इसलिए। बोले बेटा मेरे वाइफ की 42 साल से खराब है, मैं रोज यही कर रहा हूं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके आने से खराब तबीयत भी अच्छी हो जाती है। ये वो कमाल के लोग हैं जो अपनी कविताओं से, अपनी शायरी से कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, उनके लिए हम कहते हैं वाह भाई वाह। ये तीन लोग जो हमारे साथ बैठे हैं बड़े कमाल के हैं। इनमें से एक अमित अनपढ़ है और एक ऐसे विभाग में काम करते हैं जिनके नाम से ही आजकल देश में आतंक फैल जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है अमित अनपढ़, क्या बात है। और पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के व्यक्ति को हाथ जोड़ते हुए देख रहा हूँ। अमित अनपढ़ हमारे बीच में, लखनऊ से हमारे बीच में आते हैं, स्वागत करते हैं अमित अनपढ़ का। अमित अनपढ़ के पास जो बैठी है वो मनीषा शुक्ला है। पिछले कुछ ही वर्षों में उन्होंने हिंदी कवि सम्मेलनों में अपना नाम किया है। वो बहुत बहुत देरी से आई मंचों पे, लेकिन बहुत जल्दी से उन्होंने अपना नाम कर दिया। बहुत खूबसूरत कहती हैं, बहुत खूबसूरत दिखती हैं और बहुत खूबसूरत लिखती हैं। और मनीषा के पास जो बैठे हैं वो हिंदी कवि सम्मेलन के बहुत प्राचीन कवि हैं, पाषाण युग के कवि हैं। ये उस जमाने के कवि हैं जब चंबल में डाकू हुआ करते थे। ये तब से कविताएँ कर रहे हैं। ये पहले कामकाज से वकील हुआ करते थे, फिर इनके पिताजी ने एक दिन समझाया, बेटा वकालत तेरे बस की नहीं है, तू वही कर जो कर रहा है। ये देश के एक प्रखर व्यंगकार है जिनका नाम है तेज नारायण बेचैन। हम उनका स्वागत करते हैं। अब इतने कमाल के लोग आए हुए हैं तो भाई आज के हमारे खास मेहमान भी कमाल के होने चाहिए। यूं तो बहुत सारे लोग फिल्में लिखते हैं, यूं बहुत सारे लोग डायरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग फिल्मों में बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़हीन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अलग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनसे गुफ्तगू करके आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सुन के ये लगता है कि इनका मुताला कितना वसी है, कुछ लोग होते हैं जिनको सुन के लगता है इनका हाफजा कितना मजबूत है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि भाई शायरी पे इनकी पकड़ भी और दखल भी कितनी कमाल की है। और वो ऐसा आदमी जो बड़ा ज़हीन है, पढ़ा लिखा है और इस देश में न जाने कितनी हिट फिल्में उन्होंने लिखी, सलमान खान साहब के लिए 10-12, गोविंदा जी के लिए 10-12, बच्चन साहब के लिए 4-5, न जाने हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, जुड़वा, हम किसी से कम नहीं, जिसमें अजय देवगन साहब भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे, ऐश्वर्या राय भी थी, गॉड टू सी ग्रेट हो डायरेक्ट भी उन्होंने की, चेहरा डायरेक्ट भी उन्होंने की, इतनी फिल्में लिखी, इतनी फिल्मों के डायलॉग लिखे, इतनी फिल्में डायरेक्ट की, देखते हैं कौन है ये साहब। बड़े मियां छोटे मियां क्या बात है, जुड़वा, जोड़ी नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1, चल मेरे भाई हसीना मान जाएगी, गोलमाल रिटर्न्स,
गॉड तो सीक्रेट हो, चेहरे तो ऐसी तमाम फिल्मों के लेखक और कई फिल्मों के डायरेक्टर यानी हीरो नंबर वन, जोड़ी नंबर, बीवी नंबर वन, हमारे मेहमान नंबर वन रूमी जाफरी साहब। रूमी भाई कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? हालांकि ये सवाल बड़ा अजीब सा है लेकिन पूछना पड़ता है। मैं वही कहने वाला था कि इतना लंबा इंट्रोडक्शन की जगह एक लाइन आप बोल देते राइटर है और आपका भाई है, बस यही काफी था। इसमें कोई शक नहीं है, रूमी भाई मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और मेरे बड़े भाई हैं और इनसे मिलके मुझे हमेशा बहुत आनंद मिलता है और जिनके पांव हमेशा जमीन पे टिके रहते हैं। आज इस कविता की महफिल में आके क्या सोचते हैं? इतनी फिल्म लिखने के बाद आज ऐसा लग रहा है कि एक ऑडिशन देने बैठा हुआ न्यू कमर फील कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रूमी भाई, जोरदार तालियां रूमी जाफरी जी के लिए। अरे तेदान बेचन, जिसे मैं प्यार से टीटू बुलाता हूँ, आज टेलीविजन पे सारा देश इसे जान लेगा। मेरा बड़ा प्राचीन काल का ये मित्र है, बहुत पुराने ज़माने से, और टेलीविजन पे आने से हमेशा बचता है, इसलिए हिंदी टेलीविजन पे बहुत सारे लोगों ने तेज नारायण को नहीं देखा होगा और आज मुझे खुशी है कि तेज नारायण टेलीविजन पे इस बहाने आएंगे और अपनी व्यंग कविताओं से सारे देश को रससिक्त कर देंगे, मुतासिर कर देंगे। जौरा एक कस्बा है ग्वालियर के पास और वहां से आते हैं तेज नारायण शर्मा बेचैन। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हम स्वागत करें तेज नारायण शर्मा का। पहले जी जब आपने जिक्र ही कर दिया है कि मैं चंबल के क्षेत्र से आया हूं तो मेरी चार पंक्तियां आप बर्दाश्त कर लीजिए जी। तोप तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए, चंबल के बीहड़ में अब तो कविताएं लहराती हैं, जितने भी थे हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी महफिल है ये। और शैलेश जी मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अच्छी जो संगत होती है उस संगत के बड़े असर पड़ते हैं जीवन पर। मैं एक पौराणिक संदर्भ आपको याद दिलाता हूं, कहा गया है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे तो संगत का ये असर हुआ कि उनके साथ का पालतू कुत्ता था वो तक स्वर्ग गया था। इस कहानी को आप सबने सुना होगा, आप मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग सुनिए। हाँ सुनाइए। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का एक समाचार छप गया। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पर गम भी थे, तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी पहचान छुपाए हुए हम भी थे। बहुत अच्छे, क्या दृश्य रहा होगा। देखिए आप सीन देखिए, तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे, अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैल चित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे, साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है, उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे, वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। कभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैल चित्र को निहारते हुए नेताजी रुआ से होकर बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी हैं जो आप साथ जाएंगे। अरे वाह वाह तेज, वाह भाई क्या बात है, क्या सलीके से कहा है, वाह 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 बहुत अच्छे। हमने कहा नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे,
हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी हैं जो आप साथ जाएंगे। कविता खत्म हो गई, आप लोग तालियां कब बजाएंगे? देखो मौज मस्ती है शैलेश जी, शैलेश जी हिंदुस्तान है, अपने तरीके की रंगतें हैं यहाँ पर, अपने तरीके का मजे की जिंदगी लोग जीते हैं साहब। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है, जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है, ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है, इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबा कर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों। क्या बात है तेजी, ये कविता की ताकत है। आप मुस्कुराहट से उसे सजल नेत्र तक ले जाते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। आदमी में अचानक कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है, और जब आदमी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता हो तो कॉन्फिडेंस कमाल का होता है। मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूं रूमी भाई, हमारे वहां पे आप देखिए कमाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बैठे हुए थे बड़े अधिकारी, तो एक भिखारी उधर से आया, उन्होंने कहा चला जा तेरा यहाँ काम नहीं है। भिखारी बोला रिटर्न भी नहीं भरूं। बोले भिखारी होके रिटर्न भरता है? अरे बोले नहीं, रिटर्न भरा इसलिए भिखारी हो गया। ये हाल है। लेकिन अमित अनपढ़ जो है वो एक ऐसे कवि है जो अपनी छोटी छोटी हास्य की कविताओं से जीवन में खिलखिलाट और मुस्कुराहट भर देते हैं। हम बुलाते हैं अमित अनपढ़ को जोरदार तालियों के साथ। आजकल देखिए कोई कवियों से शादी नहीं करना चाहता है, कवि से शादी नहीं करना चाहता जी। एक लड़की मंदिर में खड़ी है सरकार, और वो क्या कहती है कि आदतों से इनकी तो आप भी है परिचित, मेरी जिंदगानी को तबाह मत करना। अच्छा, आदतों से इनकी तो आप भी है परिचित, मेरी जिंदगानी को तबाह मत करना, घर द्वार छोड़ व्यस्त रहते मुशायरों में, शायर के साथ में निकाह मत करना, कि यदि हो नसीब में गरीब ही तो लिख देना, माथे मड़ इनके गुनाह मत करना, भले सारी उम्र मैं कुंवारी बैठी रहूं प्रभु, किंतु किसी का भी संग ब्याह मत करना। आजकल देखिए जिसको कील समझिए वो खंभा निकलता है, कैसा कंफ्यूजन होता है। चार पंक्तियां और सुनिएगा जी, कि बस अड्डे पे खड़ा मैं गीत यही गा रहा था, रफ्ता रफ्ता देखो यार आंख मेरी लड़ी है, बस अड्डे पे खड़ा मैं गीत यही गा रहा था, रफ्ता रफ्ता देखो यार आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है दिखने में वो परी है, खूबसूरत बला वो पास मेरे खड़ी है, तो बोली मुस्कुरा के वहा हो अभी नादान तुम, मॉडल नया है सन 60 वाली घड़ी है, बोली मुस्कुरा के वहा हो अभी नादान तुम, मॉडल नया है सन 60 वाली घड़ी है, और जिससे तेरी आंख लड़ी गौर से तू देख जरा, उम्र में वो तेरी मम्मी से भी बड़ी है। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं और सुनिएगा मित्रों, कि जिसको कि आप नदी कहते हैं घूमती है प्रदूषण मुक्त, आज सर कटा नाला है, जिसको कि आप नदी कहते हैं घूमती है प्रदूषण मुक्त, आज सर कटा नाला है, और सानी जी से कहते हैं आप लखनऊ वाली, हर मोड़ पे लिखा है यही मधुशाला है, कि कलाकारी चिकन की स्वयं पे रो रही है फैशन, यहाँ भी जींस टॉप का निराला है, कलाकारी चिकन की स्वयं पे रो रही है फैशन, यहाँ भी जींस टॉप का निराला है, और सांझ डाले आंटी जब गंज में टहलती है, फ्यूज बल्ब में भी हमें दिखता उजाला है। और चार पंक्तियां सुनिएगा, कि कहीं कपलेट धोते हैं कहीं पॉलिश लगाते हैं, कहीं कपलेट धोते हैं कहीं पॉलिश लगाते हैं, देश के लाडले फुटपाथ पर जीवन बिताते हैं, देश के लाडले फुटपाथ पर जीवन बिताते हैं, मोबाइल ज्ञान ने बच्चों को है क्या क्या बना डाला, मोबाइल ज्ञान ने बच्चों को है क्या क्या बना डाला, कलम जिनको चलानी थी तमंचे वो चलाते हैं, कलम जिनको चलानी थी तमंचे वो चलाते हैं। बहुत बहुत क्या
बात है मित्र, वाह 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 अच्छे। सही कह रहे हो, आज की पीढ़ी जिन्हें कलम पकड़नी चाहिए थी, जिन्हें किताबें पढ़नी चाहिए थी, वो तमंचे चलाते हैं। रूमी साहब, इश्क की इंतहा होती है कि मतलब बल्ब जो है बुझे हुए बल्ब से भी उजाला आता है। जी इन्होंने कहा, इतनी अच्छी लाइन थी तो मुझे एक शेर याद आ गया। जी कहें, घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, गैर को आने ना दूं और तुझको कहीं जाने ना जाने ना दूं। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह। इन दोनों को सुन के कैसा लगा आपको रूमी भाई? बहुत बहुत दिनों बाद मैं रूबरू बैठ के शायरों को सुन रहा हूँ। कभी आपको सुनने का इत्तेफाक हो जाता है, नसीब से तो सुन लेते हैं, शुक्रिया। मगर आज बेचैन जी जो हैं, और मतलब सबसे बड़ी इनके तखल्लु से पता लगता है कितने बेचैन हैं जी। और इनके व्यंग से मुझे याद आया जो सबसे छोटा व्यंग कहलाता है व्यंग के इतिहास में, शरद जोशी जी ने लिखा था जी कि सरकार ठोस कदम उठा रही है और चूंकि ठोस है इसलिए उठ ही नहीं रहे। तो और दूसरा, इनकी ईमानदारी इनके तखल्लुस में है जी। अनपढ़ ये इतना ईमानदार है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को पढ़े लिखे बोल के जाहिलत की बातें करते हैं और आप पढ़े लिखे होकर अपने आप को अनपढ़ कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात, वाह। निश्चित तौर पर रूमी भाई बड़ा अच्छा लग रहा है आप आए, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा शो देश के सामने लेके आए हैं। आज के ज़माने में चारों ओर फूर्ता है, अश्लीलता है, चारों ओर रिश्तों की बात नहीं होती, संस्कृति की बात नहीं होती, संस्कारों की बात नहीं होती, वहाँ हम कविता और शायरी को लेके, और हमें बड़ी खुशी है कि हम वाह भाई वाह के 100 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं और इतना प्यार मिल रहा है और आप लोगों की मोहब्बत है जिस वजह से हमें ये मोहब्बत और प्यार मिल रहा है। आज हमारे बड़े ही कमाल के कवि उपस्थित और साथ में हमारे खास मेहमान रूमी जाफरी साहब। रूमी जाफरी साहब, हम लौट आए हैं एक कमर्शियल ब्रेक से, तो क्या उम्मीद करते हैं बाप? अभी तक जो भी सुना है मैंने बेचैन जी, अनपढ़ जी और आपसे, वो तो वाह भाई वाह है जी। अब जो हमारे बीच में कवित्री हैं जी, उनको सुनने के लिए मैं बेचैन हूँ जी। मतलब एक बेचैन यहाँ भी है, एक बेचैन वहाँ भी है, तो हम इतने लोगों को क्यों बेचैन करें? हम चाहते हैं मनीषा शुक्ला आए। जोरदार तालियों के साथ मनीषा शुक्ला। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी। जैसा कि रूमी जी कह रहे थे कि मैं मनीषा जी को सुनना चाहता हूँ, रूमी जी सुनाने का काम महिलाओं से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, आज बाहर की महिला को सुनना चाहते हैं। जैसा कि शैलेश जी बता रहे थे कि मैं अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है मुझे मंचों पर, यहाँ पर भी मंच पर अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से मैं सबसे छोटी हूँ, पर क्योंकि महिला हूँ तो आयु में मुझसे छोटा कोई हो नहीं सकता। सही बात है, बिल्कुल सही है। एक गीत हाजिर करना चाहती हूँ। भूमिका सिर्फ इतनी है कि एक स्त्री जो पहले आपकी प्रेमिका बनती है, फिर आपकी पत्नी बनती है, फिर आपकी जीवन संगिनी बनती है, वो कोई ना कोई अपेक्षा जरूर रखती है आपसे। ये गीत उन अपेक्षाओं का गीत है, सुने सुनाए मनीषा। करोगे तब भी मुझसे प्यार, करोगे तब भी मुझसे प्यार, करोगे तब भी मुझसे प्यार, ढल जाएगा रूप, ढल जाएगा रूप, बदन पर रोएगा सिंगार, बताओ क्या तब होगा प्यार। क्या बात, ढल जाएगा रूप, बदन पर रोएगे सिंगार, करोगे क्या तब मुझसे प्यार। एक दृश्य रख रही हूँ, सुनिएगा। झुर्री वाला चांद, हाय झुर्री वाला चांद, नहीं जब दर्पण को भाएगा, नैनों के बदले नैनों से चश्मा टकराएगा, फिल्मी गीतों की धुन पर मैं गाऊंगी चौपाई, ड्रेसिंग टेबल पर रखूंगी मरहम और दवाई, और देखेगा हर महिला अपने जीवन में यह दृश्य जरूर जीती है।
बहुत खूब, दिल खुश हो गया, लाजवाब, बहुत अच्छे। मतलब ये ऐसी इन्होंने ऐसा गीत लिख दिया है और इतना सुंदर इनका प्रेजेंटेशन है, इतना अच्छा इन्होंने कि ये तो हर घर में पहुंचाना चाहिए और पहुंच जाएगा। तो फिर आप अपनी फिल्म के लिए कहीं कीजिए कुछ रूमी साहब। मेरे जहन में वही चल रहा था कि ये गीत कैसे इस्तेमाल हो सकता है। क्या बात है भाई, वाह मनीषा। तो ये जो कविता है ये दिल से निकलती है, एहसासों से निकलती है, तब इतनी सुंदर रचना बनती है। बहुत खूब, क्या बात है। आपने कहा कि इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा फिल्मों तक पहुंच जाए, तुम्हारी तरक्की का चिराग जल उठा है मनीषा, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। लेकिन जो बिल्कुल सही कह रही थी कि प्यार वही होता है जो उस उम्र में हो, जो कम उम्रों में होता है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन प्यार नहीं होता। तब दीप्ति मिश्र जी के दो शेर मुझे याद आते हैं, वो कहती है कि है कागज पे लिखी हुई जिंदगानी और चारों तरफ पानी ही पानी, फकत जिस्म ही जिस्म से मिल रहे हैं, ये कैसी जवानी, ये कैसी जवानी, ये जिंदगी है। अच्छा एक चीज और बताऊंगा आपको जी, मेरी एक फिल्म थी लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसने मेरे एक डायलॉग लिखा था जी कि जिंदगी के रास्ते पे जब आप चलते हैं तो आपके माँ बाप आपसे पीछे छूट जाते हैं, आपके बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं, जब आप देखेंगे तो आपका जीवन साथी आपके साथ चल रहा होगा। इसलिए दुनिया में किसी रिश्ते को लाइफ पार्टनर या जीवन साथी नहीं कहा गया, सिर्फ मियां बीवी के रिश्ते को कहा गया है। बिल्कुल सही कहा आप, क्या बात, वाह। रूमी साहब कैसा लगा आपको आज की इस महफिल में आके? बहुत बहुत अच्छा लगा और लगता है ये महफिल लंबी चलना चाहिए और या ऐसी महफिल में मुझे बार बार आते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बार बार आए और इसी तरह से सब लोगों का हौसला बढ़ाए। जुबान वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी, भाषा वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी, मूल्य का अंदाज भी वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। हिंदी उर्दू हमारी अपनी भाषाएं हैं, इस ज़मीन की भाषा है, इस देश की भाषा है। तब मुझे आपने जो कहा कि हम मेहनत करते थे, जुबान की जो बात की उस पर मुझे जाते आते अब्बास ताबिश साहब के दो शेर याद आते हैं। वो कहते हैं कि जख्म से फूल गिरे, फूल से खुशबू आए, मैं उससे बात करूं जिसे ये जादू आए। जख्म से फूल गिरे, फूल से खुशबू आए, मैं उससे बात करूं जिसे ये जादू आए। आसान नहीं है मल्लाह का बेटा होना, डूबने लगे तब हाथ में चप्पू आए। आसान नहीं है मल्लाह का बेटा होना, डूबने लगे तब हाथ में चप्पू आए। और यूं तो चांद चेहरे मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, इश्क उससे करूंगा जिसे उर्दू आए। वाह भाई वाह, आइए